सो वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आईओटी के डिफरेंट टॉपिक्स का हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट वन का है, ठीक है। तो वो है आपका इंटरनेट प्रिंसिपल, ठीक है। तो इंटरनेट प्रिंसिपल के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर थ्री में, ठीक है, विच इज़ द पार्ट ऑफ यूनिट वन। तो इसमें आपको मैक्सिमम प्रोटोकॉल्स स्टडी करने हैं, ठीक है। जो प्रोटोकॉल्स इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं दैट वी हैव टू स्टडी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी चैप्टर नंबर थ्री में, विच इज़ द पार्ट ऑफ यूनिट वन, वी हैव टू स्टडी दिस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मीन्स ये टोटल सिलेबस है, ठीक है, चैप्टर वन के इंटरनेट प्रिंसिपल जो चैप्टर है उसका, ठीक है। तो उसमें हमें सबसे पहले लेना इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड ओवरव्यू, क्या होता है इंटरनेट कम्युनिकेशन, किस तरह से वर्क होता है, ठीक है। आईपी दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल्स का स्टडी करना है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, यूडीपी यूज़र डिफाइंड प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। आईपी एड्रेसेस किस तरह से वर्क होते हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, आईपीवी फोर, ठीक है, एंड आईपीवी सिक्स। सो आईपीवी सिक्स इज़ द एडवांस जो अभी यूज़ होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो वो किस तरह से वर्क होता है, उसके पैकेट फॉर्मेट्स कैसे हैं, ठीक है। देन स्टैटिक आईपी असाइन कैसा होता है, किस तरह से असाइन होता है, तो इस पर प्रॉब्लम्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डायनामिक आईपी एड्रेसिंग असाइनमेंट दैट इज़ डीएससीपी, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमें लेना है स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी एड्रेसिंग। देन मैक एड्रेस क्या होता है, ठीक है, एंड पोर्ट एड्रेसेस। तो ये सारा जो ये सब टॉपिक्स है, इट इज़ रिगार्डिंग टू द इंटरनेट और इंटरनेट कम्युनिकेशन, ठीक है। डीएनएस इज ऑल्सो अ मेन पार्ट, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। मैक्सिमम टाइम इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द डीएनएस इन डिटेल, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस मेन पार्ट, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आता है, बहुत से बार क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आपको करने ही है, डीएनएस HTTP एंड HTTPS, ठीक है। मोस्ट पॉसिबिलिटी की एग्जाम में आएगा ही आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, बट ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक्स आपको नहीं करने फिर, ठीक है। बट DNS और HTTP HTTPS बहुत से बार रिपीट हुआ है। तो इस तरह से ये टोटल ओवरव्यू है चैप्टर थ्री का, विच इज़ अ इंटरनेट प्रिंसिपल। तो अभी वन बाय वन हम इसका स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट कम्युनिकेशन एज एन ओवरव्यू, ठीक है। सो इन दैट डेटा इज सेंड फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इन अ पैकेट फॉर्म, ठीक है। मीन्स इफ देर इज अ सोर्स, ठीक है, और सपोज कंप्यूटर ए इज वॉन्ट्स टू सेंड द डेटा टू द कंप्यूटर बी, ओके, सो बी इज अ रिसीवर, ओके। इन अनदर लैंग्वेज वी कैन से दैट ए इज द ट्रांसमीटर एंड बी इज द रिसीवर, ओके। TX इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसमीटर एंड RS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द रिसीवर, एंड दिस बोथ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंपली वायर्ड और वायरलेस मीडियम, ठीक है। सो दैट इज द ट्रांसमिशन मीडियम। सो डेटा इज सेंड फ्रॉम वन मशीन, सो कंप्यूटर ए इज द वन मशीन, कंप्यूटर बी इज द अनदर मशीन, ठीक है। सो इन अनदर लैंग्वेज इट विल बी अ सोर्स, कंप्यूटर इज सोर्स एंड कंप्यूटर बी इज द डेस्टिनेशन, ठीक है, इन टेक्निकल लैंग्वेज। दैट इज अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट विच इज कॉल्ड एज अ प्रोटोकॉल। तो ये जो डेटा सेंड हो रहा है तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स अभी हमें इस यूनिट में डिटेल में लेना है। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टाइम द पैकेट्स ऑफ डेटा हैव टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी मशीन कॉल एज अ राउटर्स टू रीच टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो अभी हमने ये एक सिंपल एग्जाम्पल लिया, बट नेटवर्किंग में क्या होता है, सपोज देर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन वन नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्किंग में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, सपोज ये 4 कंप्यूटर मिला के आपका एक नेटवर्क हो गया, ठीक है। सो दैट इज अ नेटवर्क वन।
ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि सपोज देर इज़ अ वन नेटवर्क, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपली अ फोर मशीन्स आर कनेक्टेड टुगेदर, ओके, सो दैट विल बी अ सपोज नेटवर्क वन, ओके, एंड दिस नेटवर्क वन इज कनेक्टेड विद द अनदर नेटवर्क, इट कंसिस्ट ऑफ सपोज टू मशीन्स आर देयर. So the path of data transmission from one network to the another network or within a network, ठीक है, तो data transfer तो आपका एक network से दूसरे network में भी होगा, ठीक है, ऐसे thousands of network भी connect होंगे, तो internet का मतलब यही है, ठीक है, तो अलग अलग countries के network है, states के network है, ठीक है, then अलग अलग worlds के जो अलग अलग countries है उनका एक network, पूरा network है, इसी तरह से इंटरनेट बना हुआ है, ठीक है, तो अभी जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो विद इन अ नेटवर्क भी हो सकता है, दो सिनारियो है, ठीक है, मीन्स ये जो मशीन्स कनेक्ट है, जैसे नेटवर्क वन में फोर मशीन्स है, तो ये नेटवर्क के बीच में भी डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी हो सकता है, ठीक है, जैसे नेटवर्क टू में आपके दो कंप्यूटर से या दो मशीन्स कनेक्ट है, ठीक है, तो जो पाथ है डेटा ट्रांसफर के, सपोज इट इज़ अ ए बी सी डी आर द मशीन्स विच आर कनेक्टेड इन नेटवर्क वन, ठीक है, देर आर फोर मशीन, ठीक है, एंड ए वॉन्ट्स टू सेंड द डेटा टू द डी कंप्यूटर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं येलो मार्कर से नोट करता हूँ, ए वॉन्ट्स टू सेंड द डेटा टू द डी कंप्यूटर, सो यहाँ पे पाथ क्या है, पाथ अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है, ए इज कनेक्टेड विद द बी, बी इज कनेक्टेड विद द डी, डी इज कनेक्टेड विद द सी, ओके, तो जो पाथ है वो डिफरेंट है, तो जो डेटा पैकेट ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, जैसे आपका पैकेट स्विचिंग कॉन्सेप्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो सेम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो पाथ विल बी डिफरेंट, ठीक है, सपोज़ ये जो बिट स्ट्रीम है, सपोज 10, ठीक है, तो ये अगर पैकेट्स है एक, तो ये इसको ट्रांसमिट करना है ए टू डी, ठीक है, तो ये पैकेट ए टू बी भी जा सकता है, देन बी टू डायरेक्टली डी, या डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकता है ए टू डी, तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज, दिस इज़ फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी ए टू सी एंड देन सी टू डी, तो ऐसे नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेटा और द कैपेसिटी ऑफ दैट डेटा फाइल, ठीक है, तो जो लॉन्ग डेटा है दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू द स्मॉलर पैकेट्स, ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का वो डिजिटल डेटा है इन अ नेटवर्क और इन अ इंटरनेट, ठीक है, सो दैट डेटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स और पैकेट्स विच इज़ नथिंग बट द डिजिटल डेटा, तो क्या होता है अगर कोई बड़ा डेटा है तो उसको स्प्लिट कर देंगे स्मॉलर फ्रेम्स में या पैकेट्स में, एंड दीज फ्रेम्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ डिफरेंट पाथ टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, सो ए इज़ द सोर्स एंड डी इज़ द डेस्टिनेशन इन आवर केस, ओके, तो यही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम द डेटा पैकेट्स हैव गो थ्रू द डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट नंबर ऑफ मशीन दैट इज कॉल्ड एज अ राउटर्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन, तो अलग अलग रूट्स है उसके, ठीक है, द अंडरलिंग नेटवर्क आर नॉट ऑलवेज द सेम, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि जो नेटवर्क है वो सेम नहीं रहेगा, तो ये सपोज नेटवर्क वन का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, नेटवर्क टू का कॉन्फ़िगरेशन अलग रहेगा, ठीक है, सपोज नेटवर्क थ्री, ऐसे तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं, तो सबके कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग रहेंगे, जैसे हमने टोपोलॉजी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर नेटवर्किंग में, सो देर इज़ अ रिंग टोपोलॉजी इज़ देयर, बस टोपोलॉजी इज़ देयर, ओके, हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ देयर, तो हो सकता है नेटवर्क वन में रिंग टोपोलॉजी है, नेटवर्क टू में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ किया है या टोपोलॉजी यूज़ किया है, ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है नेटवर्क्स के दैट आर डिफरेंट, बट डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, ठीक है, सो यही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है, द अंडरलिंग नेटवर्क आर नॉट ऑलवेज द सेम, दे हैव अ डिफरेंट कॉन्फिग्रेशंस, ठीक है, देन नेक्स्ट लाइफ लाइक अ पोस्ट कार्ड वॉज प्लेस इन एन एनवलप बिफोर गेटिंग पास ऑनवर्ड, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे पोस्ट कार्ड हम प्लेस करते हैं एनवलप में, ठीक है, एनवलप में जैसे पोस्ट कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट होता है दैट कैन बी पुट इन अ एनवलप, ओके, एंड उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है,
मीन्स आप उसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम पास कर रहे हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो फ्रेम्स है दैट कैन बी पास थ्रू एन एनवलप, ठीक है, मीन्स थ्रू अ वन नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क। तो इनके इस इन दिस केस नेटवर्क इज एक्ट एज अ सिंपली एनवलप। ओके, सो दिस हैपन विद द इंटरनेट पैकेट्स टू। तो यही होता है इंटरनेट पैकेट के साथ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम पोस्ट कार्ड एनवलप में पोस्ट करते पुट करके उसको सेंड करते हैं डेस्टिनेशन में, तो उसका जो रीच रहेगा मीन्स सोर्स से लेके डेस्टिनेशन, तो रूट्स अलग अलग है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो डेस्टिनेशन में रीच होगा। सेम इंटरनेट पैकेट में भी होता है, तो जो भी फ्रेम्स है या पैकेट्स है दैट कैन बी रीच टू द डेस्टिनेशन थ्रू द डिफरेंट पाथ्स, ठीक है। सो एन आईपी पैकेट इज ब्लॉक ऑफ डेटा अलॉन्ग विद द सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल राइट ऑन फिजिकल एनवलप, ठीक है। तो इंटरनेट पैकेट आईपी मीन्स, ओके, सो दैट इज अ ब्लॉक ऑफ डेटा अलॉन्ग विद द सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है या मैसेज है दैट विल हैव टू राइट ऑन द फिजिकल एनवलप। तो जैसे आप फिजिकल एनवलप में जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन आप राइट करते हो दैट इज फॉर एग्जाम्पल नेम एड्रेस ऑफ द सर्वर एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो एनवलप होता है तो आप उसमें लिखते हो कि टू एंड फ्रॉम, ठीक है। तो जिस तरह से फिजिकल एनवलप में हम फ्रंट में लिखते हैं जैसे टू एंड फ्रॉम, ठीक है, तो टू मीन्स जिसको सेंड करना है, ओके, एंड फ्रॉम जो सेंड कर रहा है, ठीक है। तो सेम वे आईपी पैकेट में भी होता है, ठीक है, जैसे हम नेम एंड एड्रेस लिखते हैं वहाँ पे एनवलप पे, ठीक है, तो टू मीन्स योर डेस्टिनेशन, ठीक है, एंड फ्रॉम मीन्स सोर्स, ठीक है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा पैकेट्स क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे पोस्ट कार्ड का एक एग्जांपल लिया था, एनवलप में भी हम टू एंड फ्रॉम, तो ये चीज़ें लिखते हैं हम नेम एंड एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। आईपी एड्रेस आपको पता है, ठीक है, एक डिजिटल मीन्स एक नंबर होता है यूनिक, हर मशीन को आईपी एड्रेस यूनिक होता है ऑन इंटरनेट। जब तक आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं होता है मीन्स जब तक आईपी एड्रेस असाइन नहीं होता है तब तक नेटवर्क या इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप कितने भी अलग अलग डिवाइसेस से इंटरनेट एक्सेस करो सबका आईपी एड्रेस यूनिक रहेगा। आप टैब से करो, मोबाइल से करो, ठीक है, लैपटॉप से करो, डेस्कटॉप से करो, आपके पास दो तीन मोबाइल है, ठीक है, तो उसके आईपी एड्रेस यूनिक रहेंगे, ठीक है। जब तक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं होता है तब तक इंटरनेट यूज़ नहीं होगा वो डिवाइस, ठीक है। तो ये जो है फ्रॉम में आपका ये सर्वर है, ठीक है, एंड टू में डेस्टिनेशन जिसको ये पैकेट रिसीव होना। तो इन दोनों का जो भी आईपी एड्रेस है, सोर्स कौन सेंड कर रहा है और कौन सा मशीन रिसीव कर रहा है डेटा को, तो ये थ्रू आईपी एड्रेस असाइन होगा, ठीक है। सो देर इज़ नो गारंटी एंड यू कैन सेंड ओनली व्हाट विल फिट इन अ सिंगल पैकेट, ठीक है। तो ये जो आईपी पैकेट से या जो फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो इसका कोई गारंटी नहीं कि ये सक्सेसफुली रिसीव होगा एट द रिसीवर एंड। जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 1010 पैकेट मुझे ट्रांसफ़र करना है सेंडर से रिसीवर में, ठीक है, तो इसका कोई गारंटी नहीं कि ये बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल इट कैन बी अ रिसीव एट द डेस्टिनेशन और इट कैन बी अ मीन्स सिंपली फिट इनटू द सिंगल पैकेट, ठीक है, मीन्स एक ही पैकेट में ये फिट होगा फ्रेम, तो ये ज़रूरी नहीं। तो क्या होता है, जो लार्ज डेटा है, ठीक है, दैट लार्ज डेटा इज स्प्लिट अप इनटू द स्मॉलर फ्रेम्स, जैसे हमने अभी देखा, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है स्मॉलर फ्रेम में एंड दिस फ्रेम कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड एट द डेस्टिनेशन एंड इट कैन बी अ अरेंज सीरियल वाइज। जैसे अभी यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ फ्रेम्स है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि पाथ अलग अलग है नेटवर्किंग में, हो सकता है कि सेकंड फ्रेम पहले रिसीव हो जाए फर्स्ट रिसीवर पे, ठीक है, उसके बाद थर्ड फ्रेम रिसीव हो जाए, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इनको रिसीवर को सीरियल वाइज इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जिस तरह से ये फ्रेम है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मीन्स इसका अरेंजमेंट रिसीवर साइड में सीरियल वाइज होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक सिंगल पैकेट में डेटा ट्रांसमिट करना या फिट होना
पॉसिबल नहीं है, सो दैट कैन बी अ स्प्लिट इन टू द नंबर ऑफ पैकेट्स. ठीक है, सो दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट, हाउ इंटरनेट कैन बी वर्क और हाउ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मशीन टू द अनदर मशीन. सो फर्स्ट प्रोटोकॉल इज टीसीपी एंड द आईपी प्रोटोकॉल सूट. ठीक है, दैट इज नोन एज अ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल. ओके, टीसीपी मीन्स इट्स लॉन्ग फॉर्म इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इफ यू वांट टू सेंड अ लॉन्गर मैसेज दैट देन फीड ऑन अ पोस्ट कार्ड. ठीक है, तो अगर जो मैसेज आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वो अगर पोस्ट कार्ड पे फिट नहीं हो रहा है, सो वी रिक्वायर द अनदर पोस्ट कार्ड. ठीक है, तो इस हिसाब से जो बिग डेटा या जो बड़ा डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसे हम स्मॉलर फ्रेम्स में क्या करेंगे या एड्रेसेस में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे. ठीक है, सेकंड पॉइंट, और वांटेड टू मेक श्योर योर मैसेज इज गॉट थ्रू. ठीक है, और आपका मैसेज जो है वो क्लियरली क्या होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए. ठीक है, सो थर्ड पॉइंट, टीसीपी इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ बेसिक आईपी प्रोटोकॉल एंड ऐड द सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट एंड रिट्रांसमिशन. तो उसका नाम ही ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. तो जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा थ्रू अ नेटवर्क और ऑन अ इंटरनेट, ओके, तो उसमें जो अलग अलग पार्ट्स रहेंगे, जैसे सीक्वेंस नंबर का अभी मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि रिसीवर में जो पैकेट्स है वो अलग अलग पाथ थ्रू अलग अलग सीक्वेंस से रिसीव होंगे. ठीक है, हो सकता है कि लास्ट पैकेट फर्स्ट रिसीव हो जाए क्योंकि उसने शॉर्टकट पाथ से वो ट्रैवल होके आया है. ठीक है, तो रिसीवर में डेटा को क्या है, सीक्वेंसली अरेंज करना पड़ेगा. जैसे अगर कोई वीडियो सिग्नल है तो आपको पता है कि वीडियोस को अगर फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया अलग अलग, ठीक है, तो उसको रिसीवर में क्या करना पड़ेगा, सीरियली अरेंज करना पड़ेगा. अगर सीरियली अरेंज नहीं किया, ठीक है, एज इट इज़ डिस्प्ले कर दिया, तो क्या होगा, जो एंड है वो पहले दिख जाएगा वीडियो में एंड स्टार्टिंग बाद में दिखेगा, तो रीडर को या जो व्यूअर है उसको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर इस तरह से हुआ तो. तो इसीलिए वीडियो स्टार्ट टू एंड ही प्ले होना चाहिए. ठीक है, तो जब तक ये पैकेट वहाँ पे रिसीव नहीं होंगे रिसीवर में, वो वेट करेगा, उसको पहले सीरियली अरेंज करेगा. जितने पैकेट सपोज रिसीव हुए, पहले 10 पैकेट रिसीव हुए तो उतना वीडियो क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा. ठीक है, फिर आगे के अगर फ्रेम्स रिसीव नहीं होते रिसीवर में फ्रॉम सेंडर, तो वो वेट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बफर. ठीक है, तो दैट इज़ अ लाइव एग्जांपल, यू विल फिल इन टू द यूट्यूब. तो यूट्यूब में बहुत से बार होता है, अगर नेटवर्क इशू है या नेटवर्क स्लोअर है तो क्या होता है, जिस तरह से पैकेट रिसीव होते हैं सर्वर से, ठीक है, तो जितने पैकेट रिसीव हुए उतना वीडियो प्ले होगा, उसके बाद वो क्या करेगा, पॉज, बफर होगा. ठीक है, कुछ टाइम के लिए वापस अगर कुछ पैकेट रिसीव होते तो उसको अरेंज करके और थोड़ा वीडियो प्ले कर देगा. तो इसी तरह से बफरिंग कंटिन्यू होगा. ठीक है, अगर वहाँ पे नेटवर्क स्लोअर है. ठीक है, सो दैट इज़ अ लाइव एग्जांपल. तो यही यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है. तो सीक्वेंस नंबर मेन है. एक्नॉलेजमेंट आपको पता है कि अगर सेंडर से जो भी डेटा सेंड होगा टूवर्ड द रिसीवर, ठीक है, या जो भी फ्रेम रिसीव होगा, सपोज फर्स्ट फ्रेम रिसीव हुआ है यहाँ पे सेंडर से रिसीवर में, ठीक है, सो रिसीवर क्या करेगा, उस फर्स्ट फ्रेम के अगेंस्ट एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा. ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट दो तरीके के है. ठीक है, एक निगेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है NAK, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ द PAK, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, अगर ये फ्रेम सक्सेसफुली रिसीव हुआ है, ठीक है, सो रिसीवर विल सेंड अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, कि फर्स्ट फ्रेम जो है वो सक्सेसफुली रिसीव हुआ है, देन सेंडर विल सेंड अ सेकंड फ्रेम. ठीक है, अगर ये फ्रेम फर्स्ट फ्रेम सक्सेसफुली रिसीव नहीं हुआ है, देन इट विल सेंड अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर, दैट्स ही कैन बी सेंड और रिट्रांसमिट दैट फ्रेम अगेन. ठीक है, तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट में क्या करेगा, सेंडर वापस से रिट्रांसमिट करेगा जो फर्स्ट फ्रेम है. ठीक है, तो ये सिनेरियो है. तो यही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए कि एक्नॉलेजमेंट एंड रिट्रांसमिशन, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी TCP प्रोटोकॉल का है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस मीन्स दैट अ मैसेज सेंड विथ TCP कैन बी आर्बिट्रली लॉन्ग एंड गिव द सेंडर मोर अश्योरेंस दैट इट
एक्चुअली अराइव एट द डेस्टिनेशन इंटैक्ट। ठीक है, तो TCP जो प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट गारंटीज दैट और अश्योर्ड दैट द रिसीवर विल रिसीव द मैसेज विच इज सेंड बाय द सेंडर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द होल सूट और स्टैक ऑफ प्रोटोकॉल लेयर ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, ईच लेयर बिल्डिंग ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ वन बिलो। ठीक है, तो आपको पता है कि TCP जो प्रोटोकॉल है वो 4-layer प्रोटोकॉल है। ठीक है, जैसे आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, ठीक है, कि OSI मॉडल जो है, ठीक है, दैट इज 7-layer, ठीक है, इट इज़ अ 7-layer मॉडल। तो उसी तरह से ये आपका जो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो उस आपका 4-layer है। ठीक है, तो उसमें जो लेयर्स है दैट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो हर लेयर दूसरे लेयर को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मीन जो बॉटम लेयर है इट विल गिव द सर्विस टू द टॉप लेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपका डिटेल हो चुका है, जैसे फिजिकल लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर इज़ देयर, एप्लीकेशन लेयर इज़ देयर। ओके, तो जो बॉटम लेवल का लेयर है दैट सपोर्ट्स टू और प्रोवाइड द सर्विसेज टू द टॉप लेयर। ठीक है, तो इसी तरह से TCP प्रोटोकॉल में वर्क होता है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द लो लेवल प्रोटोकॉल एट द लिंक लेयर मैनेज द ट्रांसफर ऑफ बिट्स और द ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क लिंक। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेटा लिंक लेयर DLL दैट इज कॉल्ड एज अ लिंक लेयर ऑल्सो इन शॉर्ट। ओके, तो ये क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन बिट्स ट्रांसफर होंगे थ्रू अ नेटवर्क लिंक, तो उसके लिए क्या करेगा, वो हेल्प करेगा, डेटा लिंक लेयर विल हेल्प टू द नेटवर्क लेयर। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर के बाद नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज द इंटरनेट लेयर यूजेस द IP एड्रेस। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हर मशीन को एक यूनिक IP होगा। ठीक है, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो IP एड्रेस होगा हर डिवाइस का अलग अलग। ठीक है, सो दिस इंटरनेट लेयर यूजेस द IP एड्रेस एंड नेक्स्ट पॉइंट इज देन TCP विच लाइव्स द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो TCP जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का ही एक प्रोटोकॉल है, सिट्स ऑन द टॉप ऑफ IP। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के टॉप में होता है आपका TCP एंड एक्सटेंड इट विथ मोर सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल ऑफ द मैसेज पास। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो वर्क है वो है डेटा ट्रांसमिट करना। ठीक है, थ्रू अ डिफरेंट प्रोटोकॉल, सो TCP इज द वन ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो TCP गारंटीज और अश्योर्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। ठीक है, तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए TCP प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, ऑन इंटरनेट, सो दैट इज द बेसिक ऑफ TCP/IP। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम UDP एंड IP प्रोटोकॉल का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।